हर घर तिरंगा वेबसाइट पर देश के 5 करोड़ से अधिक लोगों ने तिरंगे के साथ अपलोड की सेल्फी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का किया था आह्वान। स्पेस क्विज इंडिया ने पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में फहराया भारतीय ध्वज। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश के युवा वैज्ञानिकों ने पाई उपलब्धि। भारत की कोविड वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने इंट्रानेसल कोविड वैक्सीन के तीसरे चरण का प्रशिक्षण किया शुरू। वैक्सीन नैदानिक परीक्षणों में सुरक्षित, सहने योग्य व प्रतिरोधक हुई है साबित। कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर कर रहा नमन। अटल जी के समाधि स्थल सदैव अटल पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री सहित गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि की अर्पित। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, सबसे अधिक मंत्रालय RJD को मिले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला बदलकर हाल ही में पकड़ा था अपनी विरोधी पार्टी RJD का हाथ। जम्मू कश्मीर के चंद्रवाड़ी में हुआ बड़ा हादसा, ITBP और जम्मू कश्मीर पुलिस के 39 जवानों को ले जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त। ब्रेक फेल होने के कारण खाई में गिरी बस, हादसे में कई जवान हुए हताहत। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों ने आम नागरिकों पर बरसाई गोलियां, आतंकियों की गोलीबारी में एक कश्मीरी पंडित की मौत, एक घायल। भारत की चिंताओं के बीच श्रीलंका पहुंचा चीन का जासूसी समुद्री जहाज। सैटेलाइट मिसाइल ट्रैक करने की सुविधा से संपन्न है चीन का ये Yuan Wang-5 जहाज। विश्व फुटबॉल संचालक संस्था फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ को तत्काल प्रभाव से किया लंबित। महिला U17 फुटबॉल विश्व कप के भारत की मेजबानी पर मंडराए संशय के बादल, मामले में सर्वोच्च न्यायालय में होगी सुनवाई। आज से कोलकाता में एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप का होगा आगाज। पहले मुकाबले में मौजूदा चैंपियन FC गोवा और मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब होंगे आमने सामने। कुल 20 टीमें ले रही हैं भाग।